नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, सीकर CMHO ने 1065 नंबर आदेश आज 7 सितंबर 2021 को जारी कर दिया है। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायक GNM और BSc नर्सिंग को यहां पर पोस्टिंग दे दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव के पत्रांक दिनांक 18 मई 2021, 26 मई 2021 की पालना में जिले में कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने, कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने, मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने, मृत्यु दर को न्यूनतम करने, घर घर सर्वे करने, दवाई वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए जो जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन और नियोजन की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई थी। निर्देशानुसार इस कार्यालय के क्रमांक 655 दिनांक 20 मई 2021 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 719 दिनांक 15 जून 2021 के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर BSc, GNM और ANM योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र 23 जून 2021 तक आमंत्रित किए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को मूल से मिलान करने हेतु काउंसलिंग दिनांक 12 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः मौका देते हुए 22 जुलाई 2021 को काउंसलिंग का आयोजन किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर किए गए। काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 931 दिनांक 3 अगस्त 2021 के द्वारा BSc नर्सिंग GNM योग्यताधारी समस्त अभ्यर्थियों की प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई और 7 अगस्त 2021 साय 5 बजे तक प्रतिवेदनाएँ मांगी। जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 25 अगस्त 2021 को आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया और निस्तारण कर चयन समिति की अभिशंसा पर निम्नांकित GNM और BSc नर्सिंग योग्यताधारी अभ्यर्थियों का चयन और नियोजन 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन यहां पर किया गया है। सबसे पहला शर्त जो है, चयन का आधार सीनियर सेकेंडरी के प्राप्तांकों का प्रतिशत BSc नर्सिंग GNM प्रशिक्षण में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत के आधार पर तैयार की गई है। साथ ही सीकर जिले के मूल निवासी को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। जिला स्तर पर गठित समिति के निर्णय के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण कराते समय नवीन OBC, EWS, MBC का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, RNC रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण प्रस्तुत करना होगा, 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं है इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पुलिस जो SP द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन, CMHO द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, RNC में पंजीकृत व नवीनीकृत होने का वैध प्रमाण पत्र, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सही व सत्य होने, धूम्रपान नहीं करने, शौचालय का इस्तेमाल करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट और श्रेणी की पुनः जांच की जाएगी तथा संबंधित संस्थान से दस्तावेज सत्यापन होने के बाद ही लौटाई जाएगी। विकलांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी केवल एक टांग दाई अथवा बाई दोनों में से एक 40% से अधिक हो परंतु बाहें प्रभावित नहीं हो को श्रेणी का लाभ दे, अन्यथा विकलांग की श्रेणी का लाभ दे नहीं होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के खेल कोटे में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित अधिकारी से करवाई जा चुकी है। विधवा की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आज दिनांक तक पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र पेश करना होगा। तलाकशुदा में होने की स्थिति में न्यायालय के डिग्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र पेश करने पर ही जो श्रेणी का लाभ है वो दे होगा। साथ ही जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 17 सितंबर 2021 तक अपनी उपस्थित संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे और सीकर मुख्यालय से बाहर पदस्थापित किए गए अभ्यर्थी प्रथमतः अपनी वर्णित जो BCMO है उसको अपनी उपस्थित प्रस्तुत करेंगे और दस्तावेजों की जांच उपरांत उनके पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। सीकर मुख्यालय पर नियोजित होने वाले अभ्यर्थी अपनी पहली उपस्थित जो है जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यहाँ पर माना जाएगा। चयन समिति को कोविड स्वास्थ्य सहायकों के चयन और नियोजन संबंधी संशोधन और निरस्त करने का जो है पूरा अधिकार है।
चयनित और नियोजित कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 7,900 रुपये के हिसाब से 31 अक्टूबर 2021 तक इनकी सेवाएं ली जाएगी। और जो इनका जो मानदेय है वो यहाँ पर जो हेल्थ ग्रांट है उससे दिया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित होने वाले जीएनएम और एएनएम योग्यताधारी की जो चयन सूची है निर्देश प्राप्त होने पर अलग से जारी की जाएगी। तो दोस्तों अभी जो लिस्ट है वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कार्मिकों की है, जो एएनएम है या जीएनएम है जो जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर डेपूट होंगे उनकी निर्देश प्राप्त होते ही सूची जारी कर दी जाएगी। सीएमएचओ सीकर के हस्ताक्षर मौजूद हैं, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ। अब आप देख सकते हैं सीएमएचओ सीकर ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों के जो पदस्थापन सूची है उसमें पदस्थापन ब्लॉक सीएससी पीएससी शहरी क्षेत्र आवंटित कर दिया है, साथ ही कौन सा ब्लॉक इनके पड़ेगा वो भी यहाँ पर जो स्पष्ट है जारी कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी पेजेस की ये लिस्ट है, टोटल 23 पेजेस की लिस्ट है जो यहाँ पर आउट हो चुकी है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट है, आसानी से आप इसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले संबंधित बीसीएमओ के अधीन आपको ज्वाइन करना होगा, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो भी जो अलोटेड जो स्थान है उससे संबंधित जो अधिकारी है वहाँ पर आपको ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पर चयन किया गया है, सभी को चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपके उत्तम स्वास्थ्य और लाभ की कामना यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 17 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 1000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनको ज्वाइनिंग देने का काम सीकर सीएमएचओ ने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों टोटल 985 अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग देने का काम सीएमएचओ सीकर ने यहाँ पर किया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। तो दोस्तों लगभग 1000 के आसपास 985 जो कैंडिडेट हैं उनको पोस्टिंग देने का काम सीएमएचओ सीकर ने किया है, साथ ही ज्वाइनिंग आपको 17 सितंबर तक ज्वाइन करना होगा। संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहले अभ्यर्थी बीसीएमओ के अधीन ज्वाइन करेंगे, इसके बाद में बीसीएमओ अलग से ज्वाइनिंग जो ऑर्डर है वो जारी करेगा और आपका जो स्थान अलॉट किया गया है वहाँ पर आपको ज्वाइन करना होगा। साथ ही 7,900 रुपये आपको दिया जाएगा और जो चयनित अभ्यर्थी की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, सभी को ब्लॉक आवंटित कर दिया है, पदस्थापित जो स्थान है वो आवंटित कर दिया है, कोड क्या रहेगा इनका पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर सीएमएचओ सीकर ने जारी किया है और आप 17 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। 7,900 रुपये आपको दिया जाएगा, साथ ही जो संपूर्ण जो दस्तावेज है अगर आपने पुराने प्रस्तुत किया तो नए प्रस्तुत यहाँ पर करने होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।